बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे की कंपनी के टर्नओवर में अचानक 80% की बढ़ोतरी होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस मामले पर बीजेपी से कई सवाल पूछे हैं, यहां तक कि उन्होंने पीएम मोदी को भी सवालों के घेरे में डाला है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बीजेपी अध्यक्ष के बेटे जय अमित शाह पर हमला करते हुए कहा, बिना किसी चल अचल संपत्ति के और बिना किसी कच्चे माल और स्टॉक के कंपनी ने 80% का टर्नओवर कैसे हासिल कर लिया? क्या इस मामले में सीबीआई और ईडी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के लिए कई केस दर्ज करने वाले देश के प्रधान सेवक इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे। इस मामले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि आखिरकार हमने नोटबंदी के एकमात्र फायदेमंद शख्स की खोज कर ली है। ये आरबीआई नहीं है, ये कोई गरीब भी नहीं है और ना ही किसान है, ये डेमोक्रेसी के शाहिनशाह हैं। जय अमीर। आपको बता दें कि वेबसाइट द वायर ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते और अमित शाह के भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही उनके बेटे जय अमित भाई शाह की कंपनी टेंपल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर 16,000 गुना बढ़ गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।